मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेस डेटाबेस की। तो एमएस एक्सेल डेटाबेस में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास आउटलुक है और आउटलुक में मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए हुए हैं और मुझे इस मेल्स की जो डेटाबेस एक्सेल पे लेके जाना है ताकि मैं इसकी पिवट वगैरह और बाकी चीजें कर सके। लेकिन एक्सेल में डायरेक्ट एक्सेल आउटलुक से ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मदद लेंगे एमएस एक्सेस की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और उसको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मैं 2020 मतलब 2019 को खत्म होते ही मैं अपने चैनल पे 5,000 वीडियोज अपलोड करने वाला हूं, मतलब कि 5,000 नए टॉपिक एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन से रिलेटेड। तो प्लीज इसको मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, करेंगे कैसे चलिए बताते हैं आपको हम। तो सबसे पहले हम दोनों आउटलुक को भी खोल लिए और हमने एक्सेस को भी खोल लिया है। मैं एक नया डेटाबेस पे जाता हूं, क्रिएट करता हूं और यहां हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे आते हैं जिसमें फ्रॉम एक्स यहां पे लिखा हुआ है न्यू सोर्सेस में। ये आपका इंपोर्ट, ये तो एक्सपोर्ट था, ये आपका इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट में यहां आपको फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज और यहां पे दिया हुआ है फ्रॉम अदर सर्विसेज। इसमें हम आउटलुक फोल्डर का क्लिक करते हैं और इसके लिए यहां पे देखिएगा इंपोर्ट सोर्स टेबल, एक टेबल क्रिएट करेगा उसमें या किसी टेबल में या लिंक करना है। हमने बोला कि टेबल क्रिएट नहीं, आप टेबल खुद से क्रिएट करो और फिर अपने आउटलुक फोल्डर को हम यहां सेलेक्ट करते हैं एड्रेस बुक में चाहिए या फिर मैं अपनी ईमेल आईडी को लिया और हमने बोला इसके इनबॉक्स का चाहिए एंड नेक्स्ट अनेबल कर दिया सिक्योरिटी को। ये आप सामने आ गया, वापस नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। सेव, क्योंकि बार बार आपको इंपोर्ट करना है तो सेव कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, यहां पे क्लोज करें। या देखिए टेबल बना गया। यहां भी आपका पूरा आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का डेटा आ गया। अब अगला टॉपिक आता है कि एक्सेल पे कैसे आएगा। जी हाँ, एक्सेल भी बिल्कुल आएगा और मुझे मेरे व्यूवर को पता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं। तो आप सिंपल डेटा में जाएंगे और यहाँ पे गेट डेटा डेटाबेस और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस पे जाएंगे और यहां से आप अपने एक्सेस फाइल जो मैंने अभी जस्ट बनाई है 17 तारीख को, ये रहा, एलिस को इंपोर्ट कर लेते हैं। टू थाउजेंड नाइनटीन में थोड़ा सा कनेक्शन में टाइम लगता है बट 2013-16 में ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इसको इसको डायरेक्ट लोड कर देता हूँ। इस पे क्यूरी कमांड भी लगा सकता हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट इसको लोड कर देता हूँ। अब डेटा मेरा यहाँ एक्सेल में आएगा, अभी मैं इस पे पिवट लगाऊं, बाकी कैलकुलेशन करूँ, जो करना चाहते हो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे साथ लाइव एमएस एक्सेस डेटाबेस सीखना है तो ibtindia.com पे जाएं और एमएस एक्सेल डेटाबेस की डेमो क्लास का फॉर्म भर दें। एक दो क्लास डेमो लें, ठीक लगेगा तो ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करें। आप सीखे ना सीखे, क्लास करें ना करें, मेरे नंबर को जरूर नोट करें कि इन फ्यूचर में एमएस एक्सेस या एक्सेल या जो भी कोर्स मेरे सामने है उस पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए अपना मोबाइल हमेशा ऑन करके रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।